You're listening to ChiniMandi.com podcast. पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। CACP ने अगले साल के लिए 305 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना FRP का सुझाव दिया, मीडिया रिपोर्ट। पाकिस्तान द्वारा चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा। सूडान के शुगर कंपनी द्वारा 700 से अधिक कर्मचारियों के खिलाफ बर्खास्तगी पत्र जारी। हरियाणा, गन्ने के खेतों में टॉप बोरर के प्रसार को नियंत्रित करने का सही समय। भारत में 2022-23 में FDI इनफ्लो 100 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद, रिपोर्ट। बेंगलोर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान ने कहा देश में चीनी की कीमतें स्थिर। ये सारे न्यूज पढ़ने के लिए विजिट करें chinimandi.com और YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइए।